हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक करेंगे मनोविज्ञान का, जो क्लास 11th और अन्य सभी प्रकार के टेट के एग्ज़ाम और नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ये टॉपिक DSSB तथा अन्य टीचिंग के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा। आज का हमारा टॉपिक है स्मृति। स्मृति किसे कहते हैं, यानी जिसे हम मेमोरी कहते हैं इंग्लिश में। मेमोरी क्या है, मतलब अपने याद करने, आम भाषा में कह देते हैं कि अपने याद करने की क्षमता मेमोरी है, पर परंतु वो तो लर्निंग हुई ना, याद करने की क्षमता, हमें जो याद है वो मेमोरी है। परंतु मेमोरी की हमें एक अच्छी सी और सही सी डेफिनेशन देखनी है कि मेमोरी होता क्या है। मेमोरी क्या होता है, किसी भी वस्तु या उद्दीपक को कोड देकर, किसी भी वस्तु या उद्दीपक को कोड देकर भंडारित करने के बाद पुण्य प्राप्ति करने को स्मृति कहा जाता है। देखो ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, कोड देकर भंडारित करने के बाद तथा पुण्य प्राप्ति को क्या कहा जाता है, स्मृति। इसको मैं आपको समझाता हूँ बड़े आसान तरीके से, यानी स्मृति बनने की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। कोड देना यानी कूट संकेतन या एनकोडिंग, भंडारण करना यानी स्टोरेज करना, तथा तीसरा क्या है, पुण्य प्राप्ति, रिट्रीवल करना, किसी भी चीज़ को रिट्रीव करना। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, यह प्रक्रिया कैसे चलती है, देखिए मान लीजिए आपके सामने मैं आपको ये दिखाता हूँ बच्चों, ये क्या चीज़ है। मान लो आपने इसको कभी पहले नहीं देखा, तो आप इसको कैसे कोड देखो, इसको आप कहोगे कि इसके ऊपर एक कैप है, इसके अंदर एक निब लगी हुई है, पेन से ज़्यादा ये मोटा है, वाइट कलर है, वाइट बोर्ड पर चलाते हैं, तो ऐसा सारा कुछ आप इसके साइन कैच करोगे, इसकी शेप देखोगे कैसी है, तो ये सारे साइन कैच करोगे। ठीक है, फिर मैं उसको आपको ये बता दूंगा कि ये सारे साइन जिसमें होते हैं वो क्या कहलाता है, मार्कर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मार्कर। तो उन साइंस के हिसाब से आप इसको अपने मेमोरी में भंडार कर लोगे, स्टोर कर लोगे कि ऐसे साइन होंगे वो क्या होगा, मार्कर होगा। ठीक है, सबसे पहले कोड दोगे, उसके बाद उस कोड, उन सारे कोड्स को अपने दिमाग में यानी अपने ब्रेन में स्टोर कर लोगे, जमा कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपसे 3-4 दिन बाद मान लो क्लास में आकर आपसे पूछता हूँ कि बच्चों ये क्या है। अगर आप इसको याद करके बता देते हो, इसके साइन देख के, अचानक इसको देख के, इसके सारे फीचर्स देख के, याद करके कि इस पर कैप भी है, इसमें निब भी है, तो अगर इसको बता देते हो तो आपने क्या कर लिया, उन कोड्स को जो आपने स्टोर किए थे, पुण्य प्राप्ति कर ली, और इसी पुण्य प्राप्ति को करने को हम स्मृति कहते हैं। ठीक है बच्चों, बड़ा ही ईजी टॉपिक है। क्या होता है, सबसे पहले किसी भी चीज़ को कोड देते हैं, एनकोडिंग, फिर उसे भंडारित करते हैं, कहाँ, दिमाग में, ब्रेन में भंडार कर लेते हैं उन साइंस को। उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ती है या जब हमने याद करना होता है, तो उसे हम अपने दिमाग से बाहर कर निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिट्रीव, यानी पुण्य प्राप्ति करना। तो देखा बच्चों कितना आसान टॉपिक था ये। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा कि स्मृति किसे कहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास में इतना ही, कल इससे आगे हम ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।